वीडियो शुरू करने तो पहला जेकर साडे चैनल नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तां हेठां दित्ते लाल रंग दे बटन नूं दबा के चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ते आओ देखदे आं अगे वीडियो। मेरे बड़े ही सत्कारयोग मेरियां मामा मेरियां भैणां मेरे बजुर्ग ते मेरे नौजवान दोस्तों भारतीय किसान यूनियन एकता अग्राहां दे इस मंच तो संबोधन होने का फख्र इस करके महसूस कर रहे हैं। आया तो मैं बड़ी बार हाँ, बोलिया भी बड़ी बार हाँ, पर अज मैं अपने उन्हां भैन भरावां नाल उन्हां कलाकारां उन्हां फनकारां नाल जिन्हां नूं तुसीं फनकार बनाया। सच पुंजो जन्म जात तो असी सारे किसान दे पोता किरतियां दे पोता मेहनत कशां दे पोता, पर मैनू बड़ा अफसोस हुंदा जदों देश दे प्रधानमंत्री नूं राजसभा च बोलदिआं सुणिआ इक नवीं किस्म दे लोक पैदा हो गए ने जो अंदोलन जीवी ने। मैं पूछना चाहना देश के प्रधानमंत्री नूं इस मंच तो खड़ के कि जे अंदोलन जीवी ना होंदे ते देश सदा गोरियां दे गुलाम रहिंदा। ए प्रधानमंत्री इस देश की हुकूमत वो भुल गई है इस अंदोलन नूं। वो याद करो जदों पिछली सरकार दूसरी पार्टी भी थी उदो छोटे ही लीडर आ गड़कड़ी वर्गे लीडर ये कहने थी कि बोलने का अधिकार साडे संविधान ने दिता है, मसाले करने का अधिकार साडे संविधान ने दिता है, हक सच की आवाज सरकारां दे खिलाफ आवाज बुलंद करन दा हक जिहड़ा हैगा साडे संविधान ने दिता है। ओए अज ओह संविधान इस बीजेपी ने छिंगे ते टंगदा अज ओह संविधान दे जरिए तिने मारू कानून जड़े ने उन्होंने उस संविधान के जरिए बनाए ने। वोटां दी राजनीति है पर वो वोटां खुश किनू करना चाहते ने सरमाएदारां नू खुश करना चाहते ने उस वड्डे वड्डे घराणियां नू जिहड़े घराणे सानू सिउंख वांगू खा रहे ने सिउंख वांगू। साडे किसान जथेबंदियां दे लीडर बौले नहीं जिन्हां ने रिलायंस पंपां दे वड्डियां वड्डियां मालां दे उत्ते टोल प्लाजां दे उत्ते रात दिन इक धरना दित्ता। पर शर्म आउंदी है देश दे प्रधानमंत्री नूं देश दा प्रधानमंत्री कहिंदे होए 214 किसान साडे शहीद हो गए इस मोर्चे। इक वार वी उहने पार्लीमेंट दे विच राज सभा दे विच जब महा वो मन दियां बातां आपदियां करी जांदा साडे मन दियां बातां नहीं सुणदा एक बार भी उन्हें अफसोस नहीं जाहिर किया कि असीं सर्द रातां दे विच साडे सत्कार जो बुजुर्ग साडियां मामा साडियां भैणां साडे भरा किवें इन्हां ट्रैक्टरां ट्रालियां दे रातां गुजार रहे ने। आज घोल अज पूरे भारत का घोल बन गया। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਘੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਘੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਯੂਪੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਮਥੁਰਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਗਿਆ 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੀਂਦ ਦੀ ਬਿਸ਼ਾਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਖਮਸਤਕ ਉਹਨਾਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ 2 ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਲਿਆਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਫੀਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ
उसे तरह निरंतर उसे सोच बैठे हो। मेरा सिर चुकता है तुहाडे अगे सारे अगे अपने सरकार जो बुजुर्गों के अगे, क्योंकि साड़ी लड़ाई ये होंद की लड़ाई है। पूरी दुनिया देख रही है साडे इस घोल नूं, इन्ने शांतमई घोल नूं कि असी कोई बैलेंस नहीं कर रहे, कोई रौला नहीं पा रहे, किसी नूं नुकसान नहीं कर रहे। पर ये सरकार ने अपने कुंडे छड़ के साडे ते पत्थर मरवाने शुरू किए, नारे लगाने शुरू किए। वो सारिया गल्लां जिहड़ियां ने चक्कर हो गईयां ने। मैं धन्नवादी हां साडे इस मीडिया दा, जिहड़ा मीडिया खोती मीडिया के खिलाफ काम कर रहा है, जिहड़े सारिया इन्हां गल्लां नूं घर घर पहुंचा रहे ने। ते मैं धन्नवादी हां एनडीटीवी रवीश कुमार दा, जिन्हें हुण तक 30 प्रोग्राम किसानां दे उत्ते कीते आपके प्रोग्राम। ते मैं धन्नवादी हां बीबीसी दा, जो क्योंकि दूसरी स्टेज के उत्ते सारे कलाकार ने संबोधन होना है। मैं लंबा चौड़ा नाम बोलता हुआ एक बार फिर भाई जगेंद्र ग्रहां दा, भारतीय किसान यूनियन एकता दा धन्नवादी हां। इस गल करके नहीं कि मेरे ग्राई ने साडे पिंड दीआं बट्टां सांझीआं ने, इस करके कि उन्हां दी इस जथेबंदी दा जो डिसिप्लिन है उसके लिए मैं नतमस्तक होना। सो एक बार फिर मैं सारे कलाकारां वल्लों, समुचे कलाकारां वल्लों तुहाडा धन्नवादी हां। ते इसलिए मैं इत्थे ही खिमां दा जाचका, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। कलाकारां दा एक जगह पाया।